संगठन सरकार से बड़ा है, था और रहेगा. दिस इज वॉट स्टार्टेड रूमर्स दैट द चीफ मिनिस्टर कुड बी चेंज. दैट डजंट सीम टू बी हैपनिंग, बट देयर इज टॉक ऑफ लार्ज स्केल चेंजेस इन आदित्यनाथ कैबिनेट. इन द मीन टाइम कम्स दिस अनाउंसमेंट कि जो रेड़ी वाला है, जिसका ढाबा हो, जिसकी छोटी दुकान हो, अब उनको नाम अपना लिखना पड़ेगा कि उनका नाम क्या है. So that pilgrims are able to decide whether they would like to eat at these places or not. This seems to be, according to critics, a case of economic and religious segregation. How do we understand this latest move? Ye Muzaffarnagar mein shuru hua. Today the Yogi Adityanath government said ye pure Pradesh mein lagu hoga. Ashwini ji, iski kya zarurat padi? Aur isko jab hum ko juxtapose karte hain, जो बात चल रही है कि योगी आदित्यनाथ वीक हो गए, इन फाइटिंग है, हिज ओन पार्टी कॉलीग्स आर नॉट हैप्पी विद हिम, आप किस तरह से ये दोनों ही पैरेलल डेवलपमेंट्स को देखेंगे? बरखा जी, देखिए, एक तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाय तौबा क्यों मची हुई है. ये आदेश आया है, इसमें सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों दिक्कत हो रही है, सिर्फ विरोधी दलों को ही क्यों दिक्कत हो रही है, मुस्लिम तुष्टिकरण करने वालों को ही क्यों दिक्कत हो रही है, अखिलेश यादव नाम छिपाने वालों के पीछे क्यों खड़े हैं, नाम तो बताना चाहिए ना. जब उत्तर प्रदेश में 2006 से फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है और उसका लाइसेंसिंग प्रणाली की बात होती है कि उसमें नाम और पता सबको लिखना पड़ता है, तो खाने वाले दुकानों पर क्यों इसमें हायतोबाल? वो तो उस जैन साहब के लिए भी है, सरदार सुखविंदर सिंह के लिए भी है, अश्विनी शाही के लिए भी है और अफसर अहमद के लिए भी है, ये सबके लिए है. तो ये हायतोबा क्यों मचाया जा रहा है, इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दिया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, पहली बात. दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि अब वो जमाना नहीं रहा कि जब यूसुफ खान जो है दिलीप कुमार बन के आते थे, हमारे सामने रहते थे, या मीना कुमारी का नाम चेंज होता था, अब तो शाहरुख खान के नाम से भी फिल्में चलती हैं, सलमान खान के नाम से भी फिल्में चलती हैं, तो इन लोगों को दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत अगर यह है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को, सरदारों को दिक्कत नहीं है, जैनियों को दिक्कत नहीं है, ईसाइयों को दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, ये फरमान सबके लिए है. पिछले साल क्या हुआ, एक मुजफ्फरनगर में ही माँ वैष्णो ढाबा बोल के कोई उस्मान या जो भी रहे हो वो चला रहे थे ढाबा. कांवड़ यात्रा एक बड़ी शुद्ध यात्रा होती है जिसमें लोग महीनों से पैदल चलने की प्रैक्टिस करते हैं, नमक जो है नहीं खाते हैं, सेंधा नमक पर अपने आप को रखते हैं और पवित्र कांवड़ का पानी लेकर जाते हैं, कहीं नीचे की गंदगी में भी नहीं रखते हैं. लेकिन कुछ दिनों पहले से आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से सेव में थूक कर दिया जाता था, किस तरीके से जो है क्या क्या किया जाता था वो कहने की जरूरत नहीं है. तो वो मुजफ्फरनगर में ही वो बवाल हो गया उस ढाबे पे खाने के बाद कांवड़ियों के, कि शुद्ध खाना यहाँ होगा, वैष्णो माता का नाम है तो हम चलें, तो पता चला वहां उस्मान मियां जो है कुछ बेच रहे थे. तो ये चीजों को बचाने के लिए अगर कांवड़ की शुद्धता को हमें बरकरार रखना है तो नाम लिखने में क्या बुराई है और इसको हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों दिया जा रहा है? आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम एंगल न्याय दिया जाए, फिर भी आपने उस्मान मियां की बात की. अगर हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है तो आप शायद उमंग की बात भी कर सकते थे, लेकिन आपने उस्मान की बात की. नहीं, देखिए जैन साहब के हाथ तो लहसुन प्याज भी नहीं पड़ेगा. सरदार सुखविंदर सिंह जो है, अगर वो कहेंगे कि हम सरदार सुखविंदर सिंह हैं तो वो लंगर चलाते हैं, वो शाकाहारी खिलाएंगे, तो भाई उस्मान को वैष्णो ढाबा रखने की जरूरत क्या है, वो उस्मान ढाबा लिखे. मान लीजिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं और अगर जाता हूं हनीफ मियां मीट काटते हैं तो मैं उनके यहां से ले आता हूं, ये हमारी पसंद है ना. जागो ग्राहक जागो कहा जाता है, जनता जहां से मन करेगा वहां से खरीदेगी, इसमें तो सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है कि आरिफ क्या से नहीं खरीदेगी और जो है महेश क्या से खरीदेगी, ये नहीं है. आप नाम लिखिए, आप अपनी चीजों को उजागर कीजिए. ये बार बार क्यों होता है कि मुसलमान ही अपना कागज नहीं दिखाएंगे, उसके बाद ये फ्रॉड सेकुलरिज्म वाले जितने नेता हैं, जितने लोग हैं, ये सब लोग आकर उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, ये क्यों होता है भाई? मैं एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण ले लीजिए हमारा, एक नाम क्या था उसका, निजाम कुरैशी, समाजवादी पार्टी का नेता कानपुर का, उसने जब कानपुर में दंगे हुए उसने ऐलानिया कहा कि हिंदुओं के यहां से सामान मत खरीदो, अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया था. बाड़मेर में जब हिंदू दुकानों पर से सामान खरीदने के लिए एक सभा में कहा गया कि न खरीदो, उनकी गाड़ियों पर न बैठो, तो पवन खेड़ा क्या उस समय पान खा रहे थे अपने मुंह में. दावणगेरे में दो महिला मुस्लिम
मुस्लिम महिलाएं एक नारंगी झोले में एक हिंदू दुकान से सामान लेकर उतर रही थी तो उनको पीटा गया, तो आखिर क्यों? उस समय पवन खेड़ा कहां सो रहे थे? कोई जवाब आया किसी का? अश्विनी जी, मैं पवन खेरा नहीं हूँ। जहां पे भी कोई रिलीजियस सेग्रीगेशन हो मैं उसका खंडन करती हूँ, चाहे वो हिंदुओं से हो या मुसलमान से हो। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, फिर हम अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। अमरनाथ यात्रा जो हर साल कश्मीर से गुजरती है, हिंदू पिलग्रिम्स, उनके खाने, हमारे पास तस्वीरें, हमने बहुत रिपोर्ट्स की हैं उस पे। वो जो खाना बनाया जाता है वो थ्रू आउट द पिलग्रिम, मुस्लिम्स फीड हिंदू पिलग्रिम्स बिकॉज कश्मीर वैली इज मुस्लिम डोमिनेंट। तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, मुस्लिम्स फीड द अमरनाथ यात्री थ्रू आउट। इनफैक्ट जो पलकी उठा के कई बार पिलग्रिम्स को ले जाई जाती हैं, वो भी दोज आर स्मॉल मुस्लिम ट्रेडर्स हु अर्न अ रुपी और टू डूइंग दिस। मेरे कहने का मतलब है कि ये मेल जोल का जो एक रिवाज रहा है उसको ब्रेक करना मुझे समझ नहीं आता। हाँ, मीट नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन वो समझ में आता है, हिंदू मुस्लिम वो समझ में नहीं आता। बट लेट्स कम बैक टू व्हाट मे हैव बीन योगी आदित्यनाथ। मैं जवाब इसका दे देता हूँ, एक लाइन का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब अमरनाथ की यात्रा होती है, माता वैष्णो जी की यात्रा होती है, तो चाहे घोड़े वाले हों चाहे वो पालकी वाले हों, सबके पास एक आई कार्ड होता है, उसमें लिखा होता है मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद मुनीर, वो उसमें लिखा होता है महेश, सुरेश, रमेश, जो भी होते हैं उनका नाम देखा जाता है, उसके बाद जनता जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको जो है हम उस पर नहीं जाएंगे, ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम किसके साथ जाएं ना जाएं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहां उस्मान का नाम अश्विनी शाही रख दिया जाएगा और उसका कार्ड बना दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। चाहे वहां पर भी अगर पिलग्रिम को खिलाते हैं वो। अश्विनी जी आप कह रहे हैं कि नाम देने में क्या बुराई है। लेट्स ओपन दिस अप फ्रॉम अ ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव दिलीप, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन हियर। देयर इज अ वीकेंड योगी आदित्यनाथ, वी ऑल हैव टू अग्री ही इज अ वीकेंड योगी आदित्यनाथ। बट प्रायर टू दीज लोकसभा इलेक्शंस ही वाज द वन चीफ मिनिस्टर हुम द दिल्ली हाई कमांड कुडंट कंट्रोल। अ लॉट हैज बीन सेड अबाउट हाउ ही डिड नॉट गेट हिज वे विद टिकट सिलेक्शन एंड सो ऑन, एंड नाउ ही इज बीइंग मेड, he believes, the fall guy for what happened to the BJP in Uttar Pradesh. An internal report has extensively come out on what the BJP thinks went wrong. But Hindutva didn't really work for the BJP because of the caste dynamics or the social engineering that the opposition was able to bring into the field. Why do you think he's doubled down on this Hindutva move? This was a local Muzaffarnagar story. It's now become a UP story. It's now become a national story. What's actually going on here from a political positioning point of view? From a branding position point of view, and this is in the form of irony, so you'll have to pardon me for my saying this the way I am. This is probably Yogi Adityanath's way of increasing employment, since he realized that unemployment was a major electoral issue. He's hoping that these dhaba owners who will put up their names will get employment because of what their names signify. But that having been said, I think that whenever a leader is cornered, whenever a leader feels that they have some responsive need to be politically hysterical, which is what Yogi Adityanath is feeling at the moment, I think that they trigger a major diversion. This is a major diversion. It's working because everybody is discussing it. Yogi Adityanath and the tremors he's feeling in his government, will he hopes, the BJP hopes, and certain sections of the BJP certainly can see that it is working. So I have a feeling that there is no getting away from the fact that a cornered government or a cornered chief minister has to find ways of creating a fire in some other battlefield so that the battle and the troops itself shift there and he is left alone to I hadn't actually thought of that. You're basically saying that to get away from the headlines over whether he's going to stay, go, whether he still has command over his party, a completely different headline has been in a sense unveiled. That is exactly what is happening. From an image creation point of view, this is probably an advanced course that he has attended, and it seems to be working. Samar, will it help him politically? I know Hemantji is on the ground, but you know, you've covered the BJP also for decades. Just to get your perspective, and you were writing to me in the chat that in the Amarnath Yatra, all the guides are Muslim. That was the point I was trying to make. Hindu pilgrims,
Hindu pilgrims fed by Muslims, guided by Muslims. Right. There are other temples in India where Muslim flower sellers sit outside temples, even often making and crafting the little murtis that are worshipped in Hindu homes. But do go on. Yes. Anyway, I've written a whole book on syncretism, but this is not the place to talk about that. I have gone walking up to the cave in the... It was quite an amazing... I probably can't do it now. That was, physically, I probably cannot go walking. I didn't take a ghoda, but all the ghoda wala. Anyway, I can't do it now. Anyway, Barkha, very simply, Adityanath Yogi is all, and he needs a Hindutva issue. What has happened? What has happened in the UP elections? A social justice plank came up, PDA, Pichla Dalit Alpsankhyak. Ye chala hai UP mein, Ayodhya mein ye chal gaya. Ayodhya mein ek unreserved seat mein, एक दलित ने जीत बहुत आसानी से वो जीत गए हैं. तो योगी आदित्यनाथ को चाहिए क्या अब वो उनको कॉर्नर किया जा रहा है. द सेंट्रल लीडरशिप डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस इट्स अ प्राइम मिनिस्टरियल ऑफिस राइट दे डोंट वांट टू टेक सो दे आर सो ही इज बीइंग कॉर्नर्ड. देयर आर क्वेश्चंस अबाउट हिज डिक्टेटोरियल स्टाइल. All of this is happening. What he's doing is very classic template BJP. This is for your own cadre. You hope it'll work with the public. But let us presume. So right now there are levels of disenchantment. Okay. The BJP I have spoken about it in Meerut. In the BJP in Uttar Pradesh has 4 headquarters. Shahiji would know this. They built it up. UP mein BJP was not traditionally such a powerful party. मोदी जी के आने के बाद हुआ ये सब. 4 जगह है मेरठ में, एक जोन है आगरा में, 4 जगह जोन्स है. मुझे लोग मिले जो जिन्होंने कैंपेन नहीं किया, संघ के लोग, फोटो ली मैंने, बात की उनसे. ये सब हुआ है यूपी में. अब व्हाट डज योगी नीड टू डू टू थिंग्स. वन इज अ डिस्ट्रैक्शन. आई एग्री विद दिलीप, बट दिलीप इन इफ यू अंडरस्टैंड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली लेट अस से दैट हिंदू मुस्लिम इज नॉट वर्किंग विद द पब्लिक. He will hope it works with the public, right? He will try because he is there for being a Hindutva face. Yogi ji, Hindutva, Hindu Hriday Samrat hai, Modi ji ke baad. That is his calling. What he will do, he is trying to charge the cadres also. And Hindu-Muslim cheez mein cadre excite hota hai. So it is going to be a point of friction. कि यहाँ पे अच्छा मजे की बात ये है बरखा, जो कावड़ यात्रा का रूट है सहारनपुर मुजफ्फरनगर शामली, यहाँ पे ये सब कराएंगे. सब सीटें हार चुकी है बीजेपी. सहारनपुर हारी, शामली हारी, मुजफ्फरनगर हारी, बुरी तरह हारी. मुजफ्फरनगर में तो ठाकुर ने इनके खिलाफ वोट दिया है, ठाकुर समाज, मुख्यमंत्री के समाज. फिर भी इनको हर हक है, कोशिश करें, जरूर करें. लेकिन जहां तक मैं साही जी से, वो मेरी इनसे बहुत तमीज से बात होती है, मैं इनसे हिंदू मुस्लिम बात में नहीं लगूंगी. मुंह छुपाने वाले ऐसी चीज में मैं लगूंगी नहीं. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें एंटी दलित, इसमें छूत अछूत की बू है. दिस विल बी बिल्ट अप एज अ रिटर्न ऑफ प्योरिटी इम्प्योर, इम्प्योरिटी इम्प्योर. एवरी वन हैज अ राइट टू कीप इट इन देयर पर्सनल स्पेस. But can I ask you something? Can I ask you something briefly, because I need to go to brief. Please, Ashwini ji, 1 minute briefly, Sabha, because sab ek bari bol de, then I'll come. ये मत करिए. मैं आपसे बोल रही हूँ. सुनिए. चलिए मैं सभा का पॉइंट हेमंत जी के पास लेके जाती हूँ, एंड देन आई कम टू यू लेटर. सभा हेमंत जी, जो लोकसभा में नहीं चला हिंदुत्व मुद्दा, वो अब क्या चल सकता है? बाय असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, उसी को लेके ये सारी रूमर्स शुरू हुई दैट कैन योगी स्टे, विल योगी गो. इज दिस एन इशू दैट हैज रेजोनेंस? एंड सभास पॉइंट इज करेक्ट दैट वी आर ऑल लुकिंग एट इट एज अ हिंदू मुस्लिम इशू, बट यू नो व्हेन इट कम्स टू प्योरिटी इट कैन आल्सो बिकम अ कास्ट इशू. हेमंत जी आप बताइए. सबसे पहले तो वर्षा जी, मुझे जो लगता है कि आने वाले 70 से 80 घंटों के बीच उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा हो सकता है, संगठन या सरकार दोनों के लिहाज से. आरएसएस के जो सह सरकारवाह हैं, अरुण कुमार कला रहे हैं, और यहाँ के 5 बड़े नेताओं को, योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, पार्टी प्रेसिडेंट एंड
एज जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन धर्मपाल सिंह, इन पांचों को लखनऊ में रुकने कहा गया है। केशव मौर्य को प्रयागराज जाना था, उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया, सब लखनऊ आज अरुण कुमार आ जाएंगे, कल परसों मीटिंग होगी, उसके बाद कुछ सामने बड़ा। जब आप कहते हैं ये क्या बड़ा, जब आप बड़ा कहते हैं इसका मतलब क्या है? आई डू थिंक लीडरशिप चेंज इज स्टिल पॉसिबल या फिर कुछ और? देखिए, लीडरशिप चेंज होने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये बड़ा डिसीजन है और भारतीय जनता पार्टी शायद अभी इस विषय पर कोई निर्णय न लेना चाहे, लेकिन कुछ बड़ा तो होने वाला है, ये आप मान के चलिए। नंबर एक। नंबर दो, इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने पैन इंडिया अपनी एक जो इमेज बनाई है उन्होंने प्रूव किया है, जिस नाते उनको लाया गया था 2000 झगड़े की राग की जड़ कहाँ से, 2017 में केशव मौर्य की अध्यक्षता में ही वॉज पार्टी प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड थम्पिंग मेजोरिटी से 325 विधायकों की सरकार बनाई थी, तो एक नेचुरल क्लाइमेट अपने आप को मान रहे थे केशव मौर्य, और वहीं से इन दोनों लोगों के बीच में जो मतभेद की बात शुरू हुई। और आपको अगर ध्यान होगा तो एक बार उत्तर प्रदेश की असल, मेरा अपना खुद का मानना है कि योगी आदित्यनाथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चीजों को बहुत अच्छे समझते हैं, पूरे देश में उनकी डिमांड होती है, उन्होंने अपना स्ट्रेचर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद खड़ा कर लिया है, अब जैसे भी उनकी जो छवि। लेकिन आपको एक चीज याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में करीब 200 के आसपास विधायक अपने सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठ गए थे, ये पिछली गवर्नमेंट की बात है जो योगी गवर्नमेंट वन थी उसमें। उसके बाद आपने देखा होगा सीए और एनआरसी को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे और दिल्ली में तमाम जगह प्रदर्शन हुए, तमाम तोड़फोड़ हुई, यूपी में तोड़फोड़ हुई, तो योगी जी ने एक काम किया, फिर उन्होंने उस वक्त ये कट्टर हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया। कट्टर हिंदुत्व का कार्ड ये था कि उन्होंने कहा कि जो संपत्ति राजकीय संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेगा उससे उसका जुर्माना वसूला जाएगा, तो जुर्माना वसूलने वाला इशू इतना बड़ा हो गया कि हम पूरे देश में उसी तरीके से इसकी चर्चा करने लगे जैसे कांवड़ यात्रा में ये लोगों की आइडेंटिटी शो करने वाले इशू पर हम लोगों ने। पर हेमंत जी वो जो मुद्दा है, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ क्योंकि मैं तुषार से भी उनका फर्स्ट कॉमेंट लेना चाहती हूँ, ये जो मुद्दा है कांवड़ यात्रा वाला, इसका पॉपुलर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? देखिए, दो बातें हैं बड़ी इस वक्त टेढ़ी हैं। टेढ़ी ये क्या है कि एक डिसीजन ले लिया योगी आदित्यनाथ ने, ये तो अगर आप एथिकली देखें तो 2006 का जो एक्ट है खाद्य औषधि सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट में लागू किया गया था, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अभी इसकी याद क्यों आई खाली कांवड़ यात्रा के दौरान। दूसरी बात, कल जो आदेश निर्गत किए गए थे वो ये थे कि कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाली दुकानों या रेहड़ियों को अपना दिखाना पड़ेगा, आज उसको पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यानी जो कानून था उसको लागू करने के लिए पैन यूपी करने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं, तो इस दृष्टि से तो यही लगता है। दरअसल दिक्कत क्या थी इसको समझिएगा, पिछली बार 2-3 इंसिडेंट्स हो गई थी, हालांकि मैं एक बार बताऊं, मैं खुद धार्मिक व्यक्ति हूं, मेरे घर में मेरे कम से कम 100-200 ऐसे मुसलमान दोस्त हैं जो मेरे घर में आते हैं खाते हैं, मैं उनके घर जा खाता हूं। हिंदुस्तान की लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत यही रही है जिससे पाकिस्तान तक डरता है। लेकिन यहाँ सवाल यही उठता है कि जैसे कहा गया कल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये साहब जो है राम राम राज भोजनालय का नाम लिखे हैं और जीशान साहब इसको चलाते हैं, सीताराम मिष्ठान भंडार है उसको कदीर साहब चलाते हैं, तो दिक्कत ये थी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसका विरोध तो इनके सहयोगी दलों ने भी शुरू कर दिया है, जयंत चौधरी की पार्टी के स्टेट चीफ जो है उन्होंने कहा है कि ये व्यवहारिक नहीं है, और क्यों कहा ये भी बता दूं, बाई इलेक्शन सोने उसमें एक मीरापुर में बाई इलेक्शन होना है जो आरएलडी को लड़ना है और वो अपने वहां से मुस्लिम कैंडिडेट देना चाहते हैं, तो परेशानियां है। जेडीयू का आपने देखा होगा स्टेटमेंट, जेडीयू का स्टेटमेंट भी इसमें बारे में काफी तीखा रहा। बिल्कुल, तो इसके जो पॉलिटिक्स है, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट तुषार टू कम इन। ये देखिए, आपने जैसे कहा, हेमंत जी ने कहा तुषार, दैट ओके देर इज अ एक्ट
right? And then these rules are under that act. But why remember that act today? It's clearly politics. The response of the allies is also clearly political. I have an added question on this. This is the same state where I remember namaz taking place in Lucknow's Lulu Mall. And the people who were offering namaz there had to face an FIR, right? This is the same state where halal certified products were banned from 2023 onwards. And in fact, in today's announcement also, it is clearly said that halal products cannot be sold anywhere along the route. Now, as I said, I can understand vegetarian, non-vegetarian. I do not understand the names because I think the names are code for saying, I will not buy food from a Muslim. Now, if you're going to turn around and say, well, the Muslims also have dietary restrictions that are upheld in different parts of the state, but you can't criticize that, but defend this. You can't say namaz shouldn't be offered in public spaces, but let the state organize or help enable the Kavadiya Yatra. Tushar, what do you say? And with that, I'll just read out a comment. Sorry, Tushar. Barkha in Mumbai during the Ganesh Chaturthi festival, more than 75% of the idols have been made by Muslims for decades and we all buy them with pride. It fulfills our religious rituals and Muslims earn a living. The worry is that this is economic boycott de facto. That is the worry. Okay, but good evening, Barkha. But aren't we contradicting ourselves here? Look, you see the comment that was just posted below. Sabha spoke about the Amarnath Yatra. I myself have been to Sri Vaishno Devi Mata Mandir and I see a lot of people coming from Kashmir to work there as porters and whatnot. It's not that the Hindus going there reject their services. It never happens. So why have we started with this assumption that on the Kavar Yatra route, every outlet that has its name displayed, it will be certainly boycotted? Why is our entire argument fixated on a single permutation that the Hindus will boycott the Muslims? Probably the one there is concern that small establishment will let go of their Muslim workers in fear of any kind of police or local administration action. You know ki local level pe kitna dar rehta hai ek police afsar ka. नहीं पर आप एक और पहलू देखिए इसका बरखा. या तो एक ऑप्शन था कि सरकार कहती कि कावर यात्रा रूट पर नॉनवेज बेचा नहीं जाएगा, वो गलत होता क्योंकि सरकार एक प्राइवेट बिजनेस में इंटरफेयर करती, बिल्कुल गलत होता. या तो सरकार कहती कावर यात्रा के दौरान ये आउटलेट्स बंद रहेंगे क्योंकि ये नॉनवेज फूड सर्व करते, वो भी गलत होता क्योंकि सरकार फिर से किसी प्राइवेट बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करती. यहां सरकार कह रही है आप अपना नाम लिख दीजिए, अगर किसी मोहम्मद को अपनी दुकान का नाम महेश लिखना है, किसी महेश को अपनी दुकान का नाम मोहम्मद लिखना है, उनको पूरी छूट है सरकार उस बात. But what if there is a Mohammed? What if there is a Mohammed working for a Mahesh? Mahesh is, there are reports from the ground, including from our own colleagues, that Mahesh, the hypothetical Mahesh, has already let go of the hypothetical Mohammed. No, that is where the government needs to reassure the people that this is not about restrictions on any private business. The business are supposed to run the way they were functioning. All they are saying is, let's encourage more transparency between the buyer and the seller. The buyer at the end of the day will be making the choice. And I wouldn't be frankly too worried. I have been to Mata Vaishno Devi Mandir. Sabha has been to Amarnath. And a lot of people down who are watching have been to several temples where, as you rightly point out, the flower sellers or anyone, you know, setting up a shop, there are Muslims. Yeah. And you've never seen any sort of discrimination going on. It's all about just telling your name. And at the end of the day, it's the will of the people. The people will want to buy the people. So do you at least see the timing as political? I want to go to Dilip, but just quickly, Tushar. Everything in politics, everything a politician does is political, right? He's trying to say something, do something here. Barkha, if it had to be political, the right time was perhaps 2 months ago or 3 months ago. Now I think it's a little too late for it to be political. But I think it's purely, I think the idea for the government was right. Probably the reasoning has been blown out of proportion on social media. At the end of the day, I do not see a threat where you will see that one community is boycotting the other. All I see a little more transparency between the buyer and the seller. That's how I see it.